हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जो भी छोटी मोटी खबरें होती है, हर बार जरूरी नहीं है कि वीडियो बना के ही डालें। तो हम छोटी न्यूज़ है जो अगर राजस्थान के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी से संबंधित कोई भी सिलेबस या फिर किसी तरह की कोई सूचना आती है तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, है ना। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो समय से आपके पास है जो उस वीडियो या फिर उस वैकेंसी से संबंधित आपके पास सूचना है जो सही से पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन है वो फिर अपने राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित है और मैं अपने सेशन में सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो राजस्थान में ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी सेशन शुरू करें और अगला अपना क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा है? आप जितने भी राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसी आप जानते हो ना, जिसका भी आप नाम जानते हो कि हाँ जी राजस्थान के अंदर ये वाली वैकेंसी है जो होती है, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन, जो भी टॉपिक से संबंधित जिस भी वैकेंसी में आए हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन अपने चैनल पे करवा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ये पता नहीं है कि सीईटी जो पात्रता परीक्षा है अपनी ग्रेजुएशन लेवल की, अभी सितंबर में जो इसका एग्जाम होने वाला है 23, 24, 25, 26 को, तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दिया और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है, ठीक है। इस बात का आपने भी ध्यान रखना है। 3 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस जैसे कि अभी LDC का एग्जाम हुआ है, आपने उसको देख ही लिया होगा कि जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे है सारा ट्रोल चल रहा है, उसके अंदर सभी उसको ट्रेड में चला रहे हैं। भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आउट ऑफ सिलेबस है, पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अभी LDC का एग्जाम हुआ है अगस्त के अंदर ही, तो उसके अंदर क्या है कि 150 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। उन्होंने दिया ही नहीं है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, महासागर पढ़ना है, वर्ल्ड की जो नदियां पढ़नी है, वर्ल्ड में जितने भी महाद्वीप है, महासागर है, उन सबको पढ़ना है ना, पर उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आउट ऑफ आ रहा है सिलेबस, अपने अपने को ध्यान रखना है, इससे नेगेटिव नहीं होना है इस बात के लिए कि हम जी पता नहीं किस तरह का पेपर आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आप अब कर भी क्या सकते हैं, सरकार है तो ट्वीट ही कर सकते हैं उनको टैग कर करके, है ना। अगर आप भी ऐसा करते हो, ऐसा कुछ आंदोलन चलाते हो सकता है अपना कुछ भला हो जाए। चलो सेशन शुरू करें। हाँ जी, सेशन है अपना पहला ही क्वेश्चन है। देखिए कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। देखिए अध्यापक संस्कृत 2023 के अंदर ही पूछ लिया और वो सेम क्वेश्चन वन रक्षक 11/12/2022 के अंदर पूछ लिया, ठीक है। पहले 2022 के अंदर पूछ लिया, फिर 23 के अंदर पूछ लिया। इसीलिए मेरा मकसद यही है कि जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वो अपन जरूर सॉल्व करें, ताकि हमें पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आते हैं। और इससे फायदा ये भी होगा कि जो ऑलरेडी आए हुए वही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं किसी ना किसी तरह के। कभी कभी तो ऐसे होता है कि ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, है ना, ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, सेम ऑप्शन सेम आंसर सब कुछ वैसे ही उठाया और इधर पटक दिया, ठीक है। तो चलिए, BV लाल, BN मिश्रा, RC अग्रवाल या फिर अमलानंद घोष। अमलानंद घोष थे, ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी किनारे वहां थे, वहां उन्होंने इसका क्या किया था, खोज की थी, ठीक है। BV लाल भी कालीबंगा सभ्यता से है। RC अग्रवाल है सीकर में, सीकर के अंदर है जो गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे, तो RC अग्रवाल साहब वहां है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, BN मिश्रा, ठीक है। BN मिश्रा साहब हो जाएंगे जिन्होंने बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया था, ठीक है, BN मिश्रा ने। और बालाथल सभ्यता कहाँ पड़ती है, बालाथल सभ्यता जी कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में है। और कौन सी नदी के किनारे है, वही है बेड़च नदी के ये किनारे है, ठीक है, बालाथल सभ्यता उदयपुर में। और कौन कौन सी सभ्यता, ईसवाल सभ्यता भी, ईसवाल सभ्यता भी यहीं पे है, और आयड़ सभ्यता भी यही है, ठीक है। बेड़च या आयड़ नदी के किनारे, और ये उदयपुर में ही है, ईसवाल, आयड़ और ये बालाथल सभ्यता है, तीनों की तीनों कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के कहां से, उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में स्थित है। देखिए कीवर्ड है ना, उनको पकड़ो। ज्यादा 3 लाइन का, ऐसे नहीं कि 3 लाइन का क्वेश्चन है तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस परीक्षा 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आहड़ या बनास संस्कृति, मैंने आपको पिछले वाली जो भी जितनी भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, मैंने 200-250 क्वेश्चन करवा दिए हैं राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित। अगर किसी भी टॉपिक से आप 200-250 क्वेश्चन तो मैंने रिटर्न में इस तरह से दिए, जो साथ के साथ अलग से जो बातें बता रही हैं उसके हिसाब से तो आराम से वो 400-500 प्लस कर गए हैं, है ना। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, है ना। देखिए, आहड़ बनास संस्कृति, आहड़ बनास संस्कृति है तो बनास जो है नदी है, बनास नदी कहाँ बहती है? रासमंद में, ठीक है, रासमंद में बहती है, खमनौर की पहाड़ियों से, ठीक है। उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में कौन सी स्थित है? बद्दर है, बख्तपुरा है, अकबरपुर है या बालाथल है? देखिए, नाम से ही पता चला है, ये अजीब से भी नाम भी है और ये नहीं हो सकते। ये बालाथल सभ्यता है जो कहाँ पे है? उदयपुर में है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया आयड या बेड़च नदी के किनारे है, ठीक है। उदयपुर में ईसवाल सभ्यता भी है और उदयपुर में बालाथल सभ्यता भी है और उदयपुर में आयड सभ्यता भी है, ठीक है। 3-4 सभ्यता है जो उदयपुर में है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की, यही हो गया आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल क्या है? नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन पे विशेष ध्यान रखना है आपको। उसको अंडरलाइन कर लो, उसको गोला लगा लो, उसको राउंड कर लो, कुछ भी कर लो, पर उसका ध्यान रखना है आपने। जेएन में सिविल डिग्री है 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। गिलूंड सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, लोथल या फिर बालाथल, ठीक है। गिलूंड सभ्यता रासमंद में है, रासमंद में, ठीक है, ये राजसमंद में। ओझियाना सभ्यता है जो कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक है, भीलवाड़ा में ओझियाना सभ्यता है। कोठारी नदी, और कोठारी नदी भी क्या है? मेजाबाद बना हुआ है, जो एक राजस्थान का एकमात्र बांध ऐसा है जो मिट्टी से बना, ओनली सिर्फ मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ पर, लोथल कहाँ है जी? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर है और ये हरियाणा में है, ठीक है, लोथल। बालाथल सभ्यता है जो अपनी सही हो जाएगी, बालाथल सभ्यता है जो उदयपुर में है, जिसको आयड और बनास संस्कृति भी अपन कहते हैं, क्योंकि बालाथल सभ्यता है ना, उसी से संबंधित ही क्या है? आयड सभ्यता है, बेरार सभ्यता है, ये बालाथल से ही संबंधित है। और बालाथल सभ्यता है जो उदयपुर में है और ये कहाँ पे है? आयड या बेड़च नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा बालाथल सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बालाथल किस जिले में स्थित है? जिला पूछा है, ठीक है, के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर 2013 के अंदर पूछा हुआ है कि बालाथल किस जिले में स्थित है। उदयपुर में कौन कौन सी है? देखिए, ईसवाल है, ईसवाल है, ठीक है, उदयपुर के अंदर, और बालाथल भी यहीं पे है, ठीक है, सही आंसर मिल ही गया आपको, ठीक है। और दूसरी आयड भी यहीं पे है, आयड सभ्यता भी कहाँ है? यहीं पे, आहड़ सभ्यता, सॉरी, आहड़ सभ्यता है जो यहीं पे है। बीकानेर में सोंधी सभ्यता है, सोंधी सभ्यता है, और इसी सोंधी सभ्यता को कालीबंगा की प्रथम राजधानी भी अपन कहते हैं, ठीक है, जो बीकानेर के अंदर सोंधी सभ्यता है। हाँ जी, सही आंसर अपना हो जाएगा उदयपुर, ठीक है, उदयपुर अपना सही आंसर रहेगा। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? सहायक कृषि अधिकारी 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? बालाथल, आहड़, गिलूंद, ओझियाना। ओझियाना मैंने अभी बताया आपको भीलवाड़ा में है, ठीक है, भीलवाड़ा में है ओझियाना। गिलूंद है जो राजसमंद में है, ठीक है, और ये उदयपुर में है। और बालाथल सभ्यता है, ये भी कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है, बालाथल सभ्यता भी कहाँ है? उदयपुर में। आयड संस्कृति का नवीनतम कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, बालाथल सभ्यता है जो, ये इसका नवीनतम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान में किस सभ्यता स्थल में पाया गया है या कहाँ से अपने को मिला है? ये देखिए, जेईएन सिविल डिप्लोमा 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बालाथल है, आहड़ है, कालीबंगा है, बेराट है, ठीक है। देखिए, तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, बेराट सभ्यता जयपुर या विराट नगर में। तो सही आंसर हो जाएगा अपने बालाथल सभ्यता, ठीक है, बालाथल सभ्यता। यहाँ से हमें 11 कमरों का बहुत बड़ा अपन कह लो बहुत बड़ी पैलेस मिली है, ठीक है। वहां पे क्या है, 11 कमरे हैं, बहुत बड़ा विशाल भवन मिला है 11 कमरों का। तो ये हमें बालाथल सभ्यता से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी, ठीक है, और सुमेलित नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान रखना है। देखिए इधर तो ये सभ्यताएं दे रखी हैं और सामने इसके क्या दे रखा है, नदियां दे रखी हैं, कि अपने को यही ध्यान रखना है। ये देखिए वन रक्षक 2022 के अंदर सभ्यताएं जब भी आप टॉपिक करो तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक तो कौन सी सभ्यता कौन से नगर के अंदर है, दूसरा इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी नदी पे है, तीसरा इंपॉर्टेंट कि उसका उत्खनन और खोजकर्ता कौन थे और कुछ विशेष बातें उसके बारे में। चार ही टॉपिक, चार ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से, कि उसका क्या वहां से विशेष चीजें अपने को मिली है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता है साबी नदी के किनारे, ओझियाना है खारी नदी के किनारे, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, सही है। बालाथल सभ्यता है जो कांतली नदी के किनारे है, नहीं जी बालाथल सभ्यता कांतली नदी के किनारे नहीं है, बालाथल सभ्यता है जो उदयपुर में है, और ये बनास है, ठीक है, बेडच है, ठीक है, बनास है बेडच है उसके किनारे है। और ये जो कांतली नदी है इसके है जो सीकर के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता है सीकर में, तो वो कांतली नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, हनुमानगढ़ में है, ठीक है, ये हनुमानगढ़ में है। ओझियाना सभ्यता है जो ये ओझियाना पड़ती है भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में है, और ये खारी नदी के किनारे है। और जोधपुरा सभ्यता है जो साबी नदी के किनारे है। तो अपना सही आंसर ये हो जाएगा कि बालाथल है जो बनास या बेड़च नदी के किनारे है, ना कि कांतली नदी के। उन्होंने पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो भाई ये वाला जो डी आंसर है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दुर्गीकरण के पूछा है कि कहाँ बड़े बड़े किले थे, दुर्ग थे, ठीक है, आहड़ में थे, बालाथल में थे, गणेश्वर में थे, या फिर गिलुंड सभ्यता से। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा अपना, तो ये सही आंसर हो जाएगा अपना बालाथल सभ्यता, ठीक है। यहाँ से हमें, ठीक है, बालाथल सभ्यता से दुर्गीकरण के पुरावशेष मिले हैं, ताम्रपाषाण युगीन के मिले। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी सभ्यता ताम्रपाषाण युग है, कौन सी सभ्यता है जो मत्स्य जनपद की राजधानी रही है, कौन सी सभ्यता है जो कांस्य युगीन थी, कौन सी सभ्यता के लोग चावल के बारे में जानते थे, जो आयड़ सभ्यता वाले वो चावल के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में नहीं जानते थे। कालीबंगा सभ्यता है जो कांस्य युगीन सभ्यता है ना, ये आयड़ सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है। और जो अपने सीकर में कांतली नदी के किनारे जो गणेश्वर सभ्यता है वो भी ताम्र युगीन सभ्यता, वो तो तांबे की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी उसको कहा जाता है, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को। गिलोंड वह अपनी सभ्यता है जो रासवंत के अंदर है, बालाथल सभ्यता है जो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। देखो कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है, ठीक है, बाड़मेर में है। और बूढ़ा पुष्कर है जो कहाँ पे है, अजमेर में है, अजमेर में है। बालाथल कहाँ है, बालाथल तो उदयपुर में है, ठीक है। और बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है, ठीक। भीलवाड़ा में एक ओझियाना सभ्यता भी है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। ओझियाना सभ्यता है वो भी कहाँ है, भीलवाड़ा में ही है, ठीक है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा कि ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित कौन सी है, तो बालाथल सभ्यता है, ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन थे सभ्यताओं से संबंधित थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।